शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों किए गए श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार की सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन अक्सर ऐसा अवसर आता है जब पितरों का श्राद्ध पूजन का दिन होता है और व्यक्ति उसी दिन किसी यात्रा पर या किसी आपातग्रस्त परिस्थिति में फंस जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर किसी भी परिस्थिति में बिना पूजन सामग्री के भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता के अनुसार ब्रह्म पुराण सहित अन्य शास्त्रों में ऐसे हालातों के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, उन्हीं में से यह भी एक उपाय है। अरे यहाँ पर तीन ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों के लिए नित्य, नैमित्तिक और काम, जैसे हम जो है वो अनुष्ठान करते हैं, तो नित्य अर्पण किया जाता है। ऐसे ही वर्ष में एक बार पितरों के पूजन के लिए 16 दिनों का एक समय, जिसको हम 16 श्राद्ध कहते हैं, तो 16 श्राद्ध के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें हम पितरों का अर्चन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यही श्रद्धा ही श्राद्ध है। अब चूंकि पितरों का पूजन जिसमें किया जाता है वो जो होता है वो पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो मध्यान्ह से लेकर सायं पर्यंत होती। शास्त्र में तो ये भी कहा है कि यदि हम अकालग्रस्त स्थिति में हो या अभावग्रस्त स्थिति में हो या कहीं प्रवास में हो और उस दिन श्राद्ध आ जाए तो ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है कि सामग्री न होने पर दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्य भगवान को देख करके, वो यदि आकाश को देख कर यदि कोई कहे कि हे पितृदेवताओं, आज मेरे पास भी समय और परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास कोई सामग्री नहीं है पर मैं आपको तृप्त करता हूँ, मतलब मैं अपनी भावनाओं से मैं आपको तृप्त, तो भी पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक आप जो कर्म करेंगे श्राद्ध। पंडित पंकज मेहता बताते हैं कि श्राद्ध का असली अर्थ है श्रद्धा और भक्ति से किया गया कर्म, चाहे पूजन सामग्री हो या न हो। अगर कर्म श्रद्धा से किया जाए तो श्राद्ध का महत्व नहीं घटता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोकल एडिट के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।